हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं बताऊंगा कैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे मोबाइल हॉटस्पॉट एक्टिव कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आपका ईथरनेट केबल मतलब फाइबर केबल वाला कनेक्शन है, तो आप उसे लगा के अपने लैपटॉप से हॉटस्पॉट एक्टिव कर सकते हो। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अगर वाईफाई वाला की डोंगल लगा है तो, या फिर वाईफाई सपोर्टेड कंप्यूटर है तो, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होने वाला है और ये काफ़ी सही भी है, क्योंकि आप जैसे फाइबर यूज़ कर सकते हो तो फाइबर तो लगा लोगे कंप्यूटर पे, लेकिन मोबाइल में क्या लगाओगे। तो मोबाइल से आप उसी फाइबर का मतलब सॉरी लैपटॉप से उसी फाइबर का आप हॉटस्पॉट जनरेट करके अपने मोबाइल से या फिर किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया एक सुविधा दिया गया है। और इसमें से आपको एक वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इको सिस्टम, मतलब लिंक हो जाएगा सभी डिवाइसेस, तो इधर को उधर आप करने में फाइल को आसानी होगा। तो मोबाइल हॉटस्पॉट एक्टिव करना काफ़ी आसान है। दो मेथड्स में इसमें के भी हैं, तो दोनों मेथड्स बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लेना और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको नीचे विंडो आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से सेटिंग ओपन कर लेना है, या फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना। सबसे ऊपर मतलब नीचे थोड़ा सा मोबाइल हॉटस्पॉट मिल जाएगा, ओपन करना, और यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो मोबाइल हॉटस्पॉट। वाईफाई का पासवर्ड वगैरह अपने हिसाब से पूरा एकदम कस्टमाइज कर सकते हो भाई साहब, मोबाइल हॉटस्पॉट चला सकते हो ट्रेन के, ठीक है। ये तो हुआ पहला मेथड। इसके अलावा नीचे आपको टास्क बार में वाईफाई वगैरह पर क्लिक करना है, यहाँ देखो स्वाइप करना है थोड़ा सा, और नीचे आपको मिल जाएगा ये दो चार ऑप्शन है, उसी में मोबाइल हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप आराम से एक्टिव कर सकते हो मोबाइल की जैसे, ठीक है। तो इसी बात पे लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।